नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं जो हमारा क्रेश कोर्स चल रहा है उत्तराखंड के फॉरेस्ट गार्ड के लिए, उत्तराखंड के पुलिस के लिए, उसकी आज यहाँ पे 10वें दिन है, यानी 10वीं क्लास है। और देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में से यह है, और यह क्लास ऐसी क्लास है जो आपको सिलेक्शन देगी, क्योंकि सबसे अच्छे क्वेश्चन, सटीक क्वेश्चन, डिटेल व्याख्या के साथ आपके सामने यहाँ पे रखे जाते हैं। यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करते हैं, यूकेएसएससी के पुराने पेपर, परीक्षा वाणी, बीएस नेगी सर, डॉक्टर अजय राव सर की बुक को, तो इन्हें हम यहाँ पे डिटेल डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बेनिफिट आपको इस चैनल से मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम बीएस नेगी सर की बुक से, लगभग पेज नंबर 11-12 के आसपास है, और डिटेल के साथ आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन तो दोस्तों 10 होते हैं, लेकिन इन 10 क्वेश्चन की जो डिटेल व्याख्या होती है वो कम से कम 50 प्रश्नों से ज्यादा होती है। और यहाँ पे जो हम यहाँ पे डेली आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं वो कम से कम 150 से लेकर 200 क्वेश्चन होते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एग्जाम के लिए, आपके फॉरेस्ट गार्ड के लिए, सभी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में से यह एक क्लास है। तो पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि देहरादून में सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ पे होती है देहरादून में सर्वाधिक वर्षा, रायपुर में, मसूरी में, राजपुर में, या फिर प्रेमनगर में। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, राजपुर होगा, रायपुर होगा, मसूरी होगा, या फिर प्रेमनगर होगा। तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है, राजपुर, बिल्कुल सही है। देहरादून में सर्वाधिक वर्षा कहां पे होती है, ये होती है राजपुर में। और यहीं पर आपको पूछा जाए कि कितनी वर्षा होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों 318 सेंटीमीटर, 318 सेंटीमीटर यहां पे क्या होती है, वर्षा होती है। तो देहरादून के राजपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है 318 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा गया, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, दून घाटी हिमालय के किन दो भागों के मध्य स्थित है, अब आपको बताना है, और यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका आंसर दीजिए पहले कि क्या होगा, कि जो दून घाटी है वो हिमालय के किन दो भागों के मध्य स्थित है, मध्य बृहद हिमालय के बीच में, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, मध्य और महान हिमालय के बीच में, और मध्य और बाह्य हिमालय के बीच में। कंफ्यूज हो जाता है इंसान, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर आपके जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहां पे आपको क्लियर करा देंगे। तो इसका राइट आंसर दीजिए पहले क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो आपको यहां पे डी दिखाई दे रहा है, मध्य व बाह्य हिमालय के बीच में। मध्य व बाह्य हिमालय के बीच में क्या है, ये है दून घाटी। अब आप यहां पे देखिए इसकी डिटेल व्याख्या। तो देखिए दोस्तों, यहां पे आप इसकी डिटेल व्याख्या देखिए, ये है हिमालय की संरचना कुछ हमारे उत्तराखंड में पहाड़ी भाग में। अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, तो एक चीज आप यहां पे देखिए दोस्तों, ये है हिमालय, और हिमालय में आपको सबसे ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर हिमालय में जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है यहां पे ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय से नीचे क्या है, महान हिमालय, या फिर जिसे क्या कहते हैं, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय ध्यान रखना, महान हिमालय जिसे हम ग्रेटर हिमालय कह रहे हैं या फिर बृहद हिमालय कह रहे हैं, तीनों एक ही चीज है। कंफ्यूज नहीं होना, नाम से कंफ्यूज कर देता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो एक ही नाम मिल जाएगा, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए अलग अलग नाम मिलता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो महान हिमालय, बृहद हिमालय एक ही के नाम है। फिर इसके नीचे आपको बुग्याल क्षेत्र, और यहां पर बुग्याल के नीचे आपको जो मिलेगा वह मिलेगा आपको मध्य हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं, और जिसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, आंतरिक हिमालय, तीनों एक ही चीज है। मध्य, लघु, आंतरिक, आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय और मध्य हिमालय, ये तीनों क्या है, तीनों एक ही है। और फिर उसके नीचे आपको दून घाटी, और फिर नीचे आपको मिलेगी शिवालिक, और शिवालिक को ही भाई हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या था, कि दून घाटी किन दो के बीच में स्थित है, तो देखिए मध्य हिमालय के बीच में और बाह्य हिमालय के बीच में। यहीं पर अगर मैं ऐसा पूछता कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में, तो भी आपका आंसर सही होता। तो कंफ्यूज नहीं होना, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, आंतरिक हिमालय तीनों एक ही है, और शिवालिक का दूसरा नाम बाह्य हिमालय भी है, और इसे उप हिमालय भी कहते हैं। तो यह है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे भी ज्यादा जो काफी इंपॉर्टेंट है वह है दोस्तों यहां पे हिमालय के भ्रंश जो फॉल्ट है, कई बार पूछा जाता है, अभी यूकेपीएससी ने भी पूछा था, यूकेएसएससी ने भी पूछा था। तो देखिए यहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। देखिए, मान के चलो ये हिमालय है, और हिमालय के बीच में आपको कुछ इस प्रकार के भ्रंश दिखाई देंगे, यानी हिमालय के अलग अलग पार्ट है, हर पार्ट जो हिमालय का है, जैसे ग्रेटर हिमालय हो गया, इसके अलावा हम लघु हिमालय की बात करते हैं, शिवालिक की बात करते हैं, तो ये सभी अलग अलग समय में बने हैं। तो जब अलग अलग समय में बने हैं तो इनकी जो स्थिति होगी, संरचना होगी, उसमें भी अंतर आएगा।
तो जब ये चीजें यानी जो ये हिमालय है, हिमालय के जो पार्ट है वो जुड़ते गए, तो उनके बीच में एक लाइन जुड़ती गई, एक भ्रंश जुड़ता गया, एक कमजोर स्थान जुड़ता गया, और इसी को भ्रंश कहते हैं, इसी को फॉल्ट कहते हैं। और इसी फॉल्ट की बात करें तो सबसे पहले यहां पर देखिए कि जो ये वाला पार्ट है इसे कहते हैं महान हिमालय, फिर नीचे आइए इसे कहते हैं लघु हिमालय, और फिर आप थोड़ा नीचे आगे फिर आप देखोगे शिवालिक, और फिर सबसे नीचे आओगे आपको यहां पे दिखेगा मैदानी हिस्सा। तो महान, मध्य, लघु, शिवालिक, मैदानी, प्रश्न क्या बनता है? देखिए प्रश्न बनता है इन प्रश्नों से जो यहां पे आपको ये भ्रंश दिखाई दे रहे हैं। पूछा जाएगा कि महान और मध्य के बीच में कौन सा भ्रंश है, तो देखिए इसे क्या कहते हैं, एमसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश वाले तो शायद एक ही राउंड में समझ जाए, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उन्हें कंफ्यूज किया जाता है। बृहद हिमालय बोल देंगे, मध्य हिमालय बोल देंगे, तब भी क्या आएगा, एमसीटी आएगा। महान हिमालय बोल देंगे, लघु हिमालय बोल देंगे, तब भी क्या आएगा, एमसीटी ही आएगा। और यहां पर अगर दूसरी बात करें, नीचे आओगे आप, तो ये है एमबीटी, और ये प्रश्न यूकेएसएससी ने पूछा था। ध्यान रखना, यूकेएसएससी ने यही प्रश्न पूछा था, यूकेएसएससी ने पूछा था एमबीएफ, एमबीएफ यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो देखिए लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सी लाइन है, यह है एमबीटी या फिर एमबीएफ, दोनों का मतलब एक ही है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट बोले या फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट बोले। और फिर नीचे आओगे आप तो आपको मिलेगा यहां पे एचएफएफ यानी हिमालय फ्रंटल फोल्ड, यानी हिमालयन फ्रंटल फोल्ड किसके बीच में है, शिवालिक के बीच में है, मैदानी क्षेत्र के बीच में है। और शिवालिक का नाम हमने अभी आपको बताया था कि शिवालिक का एक अन्य नाम क्या था जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए शिवालिक का अन्य नाम क्या बताया था हमने, वो बताया था बाह्य हिमालय। तो बाह्य हिमालय और मैदान के बीच में कौन सी लाइन है, वह है हिमालयन फ्रंटल फोल्ड। तो कंफ्यूज ऐसे होते इंसान। और इसके अलावा यहां पर बात करें ट्रांस हिमालय की, और ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो आपको लाइन दिखेगी दोस्तों, उसका नाम क्या है, ITSZ यानी इंडस सांगपो सेटुराइट जोन, इंडस सांगपो सेटुराइट जोन। तो ITSZ किसके बीच में है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में। MCT किसके बीच में है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, या फिर बृहद या लघु के बीच में, या फिर महान या फिर लघु के बीच में। कंफ्यूज मत होना, इस कॉन्सेप्ट को समझना, आपके हर क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यह था क्वेश्चन नंबर दो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन और क्वेश्चन नंबर चार पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीन है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात चक्राता में नहीं है। तो बताइए जरा, चक्राता में कौन सा जलप्रपात नहीं है, किमोना नहीं है, मोइगा नहीं है, टाइगर नहीं है, फिर मोसी जलप्रपात नहीं है। तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपको मिलेगा, वो मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, ये मौसी जलप्रपात। मौसी जो जलप्रपात आपको दिखेगा वो आपको दिखेगा मसूरी में, मसूरी मौसी, मसूरी मौसी। तो ऐसे ध्यान रखना, अभी आपको याद करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पे अगला है चार है, और पूछा है कि पटना जलप्रपात स्थित है। तो बताइए दोस्तों पटना जलप्रपात आपको कहां पे मिलेगा, राजपुर में मिलेगा, मसूरी में मिलेगा, ऋषिकेश में मिलेगा, या फिर चक्राता में मिलेगा। तो बताइए पटना जलप्रपात कहां पर है। तो देखिए पटना जो जलप्रपात आपको मिलेगा दोस्तों, वह मिलेगा आपको ऋषिकेश में। ध्यान रखना कहां पर है, ऋषिकेश में। तो पटना जलप्रपात ऋषिकेश में है। और यहीं पर अगर मसूरी की बात करें तो मसूरी में बहुत सारे हैं। देखिए मसूरी के जलप्रपात आपको अभी डिस्कस कराते हैं मैप में। तो यहां पर देखिए दोस्तों ये है जलप्रपात कहां के, ये है देहरादून के जलप्रपात। सबसे पहले तो आप यहां पे आइए चक्राता में। देखिए ये है चक्राता, और चक्राता में आपको तीन जलप्रपात दिखाई दे रहे हैं, एक है टाइगर फॉल, फिर है किमोना जलप्रपात, और एक है मोइगार जलप्रपात। तो ट्रिक से आप याद कर सकते हो किमोटा, किमोटा से यानी की से हो गया किमोना, फिर उसके बाद यहां से मो की बात करें मोइगार, और टा से बात करें तो यहां पे हो गया टाइगर फॉल। तो किमोटा जलप्रपात ये कहां पर हो गया, चक्राता में हो गया। किमोटा यानी किमोना, टाइगर और मोइगार। फिर आ जाइए यहां पे मसूरी में। देखिए मसूरी की बात करें तो मसूरी में क्या क्या मिलेगा, कैंपटी फॉल मिलेगा, लेकिन ये टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। फिर मसूरी में ही आपको झड़ी पानी जलप्रपात मिलेगा, और मसूरी में ही आपको मौसी जलप्रपात, और इसके अलावा जो हार्डी जलप्रपात है और भट्टा जलप्रपात है, यह भी आपको कहां पे मिलेगा, मसूरी में मिलेगा। फिर मसूरी से थोड़ा नीचे आने पर आपको मिलेगा शिखर जलप्रपात, फिर नीचे मालदेवता जलप्रपात। तो देहरादून के ये काफी इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। और फिर यहीं पर दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर कुछ और भी है, जैसे यहां पर ताल की बात करें तो जैसे यह चंदबाड़ी ताल हो गया, कांसरो ताल हो गया, सूर्यधार झील हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर आसन बेराज है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आसन बेराज की बात करें तो इसे ढालीपुर झील के नाम से भी जानते हैं। निर्माण कब हुआ था, 1967 में हुआ था। कब हुआ था, 1967 में। और यहां पर जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया, ये अगस्त 2005 में बनाया गया। कब बनाया गया, अगस्त 2005 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अगस्त 2005 में। और इसे रामसर साइट में, रामसर साइट में कब शामिल किया गया,
21 जुलाई 2020 को, 21 जुलाई 2020 को। अब एक प्रश्न दोस्तों यहां पे यह है कि ये बताइए रामसर जो क्षेत्र है वो किस देश में पड़ता है, और रामसर साइट के संदर्भ में जो वेटलैंड जो दिवस मनाया जाता है, यानी वेटलैंड जो आर्द्र भूमि दिवस है, वेटलैंड यानी अगर हम इसे बात करें आर्द्र भूमि दिवस, तो आर्द्र भूमि दिवस के बारे में आप क्या क्या जानते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, ये क्यों मनाया जाता है, और वर्तमान में भारत में कितने आर्द्र भूमि जो क्षेत्र हैं वह हैं, तो जरूर बताइए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर यहां पे 4 हो गया, अब है क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका तो आप आंसर दीजिए दोस्तों, क्या है कि सिसवा किसकी सहायक नदी है, जरा बताइए, जरा वाल्दी की है, सोंग की है, यमुना की है, या फिर आसन की है, तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, सिसवा किसकी सहायक नदी है, तो वाल्दी की है, सोंग की है, यमुना की है, या फिर आसन की है, किसकी होगी, तो देखिए आसन की नहीं है, आसन जो सहायक नदी है वो यमुना की है, वाल्दी इसकी नहीं है, इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा सोंग मिलेगा, तो ध्यान रखना सोंग की सहायक नदी है सिसवा, इसके बारे में अभी मैप में समझाएंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए, सोंग नदी अब गंगा में अपना जो संगम है वो कहां पे बनाती है, आपने बताना है, तो बताइए जरा कहां पे संगम बनाती है सोंग नदी, ऋषिकेश में, रायवाला में, राजपुर में, या फिर डोईवाला में, तो कहां पर बनाती है, तो इसका राइट आंसर बताइए जरा कहां पे होगा इसका राइट आंसर, तो देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको रायवाला में, ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सही है, तो ध्यान रखना सोंग नदी गंगा में अपना संगम कहां पे बनाती है, रायवाला में बनाती है। अब यहां पे देखिए और एक बार इसे मैप में याद करें, देहरादून का नदी तंत्र, तो देहरादून के नदी तंत्र, कारगी गांव से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, सिसवा नदी, कारगी गांव से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, सिसवा नदी, और सिसवा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जो है बिंदाल नदी और रिस्पना नदी, एक्चुअली शायद यह दोनों जो नदी है बिंदाल नदी और रिस्पना नदी ये कहीं पर संयुक्त हो जाते हैं और फिर संयुक्त रूप से मिलती है, खैर फिर भी आपने को यह ध्यान रखना है कि जो बिंदाल और रिस्पना नदी है वो सिसवा की सहायक नदी है, ठीक है, फिर सिसवा की सहायक नदी कौन होगी, बिंदाल और रिस्पना, बिंदाल रिस्पना किसकी है, सिसवा नदी की है, सिसवा कहां से निकलती है, कारगी गांव से निकलती है। अब यहां पे आ जाइए, यहां पे जो रिस्पना आपको दिखाई दे रहा है ना, रिस्पना में ही आपको शिखर फॉल मिलेगा, अभी देखा था मसूरी के नीचे शिखर फॉल, तो शिखर फॉल रिस्पना नदी पर है। अब यहां पे देखिए यह है मसूरी का जो यानी जो रोडी टॉप है ये वहां पर हो गया, और यहां से भी इस साइड से भी होकर एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है सोंग नदी, और सोंग नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं जैसे वाल्दी नदी, कालीगढ़ नदी, और यहीं पर आपको मिलेगा सहस्त्रधारा जलप्रपात। देखिए बहुत सी जगह में किताबों में अलग अलग डेटा मिलता है, जैसे सहस्त्रधारा जलप्रपात की बात करते हैं तो कहीं पर लिखा जाता है जो कालीगढ़ है वहां पर सहस्त्रधारा जलप्रपात है, लेकिन कुछ किताबों में आपको आंसर ये यहां पे भी मिलेगा जो वाल्दी नदी है कि यहां पर सहस्त्रधारा जलप्रपात पाते, तो ऑप्शन के अनुसार करना, अगर कालीगढ़ ऑप्शन में मिले तो कालीगढ़ होगा, और कालीगढ़ ऑप्शन में ना मिले तो फिर आप वाल्दी नदी पर चले जाना। फिर आप नीचे देखिए, जब यहां पे मिल गई तो यहां पर ये रायवाला नामक स्थान पर जो सोंग नदी है अपना संगम बना देती है, तो यह भी आपने देख लिया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि देहरादून किस भूकंप जोन के अंतर्गत आता है, जरा बताइए कब आता है, किस भूकंप जोन के अंतर्गत, तो देखिए दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है जो भूकंप जोन 4 है यह बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में 2 भूकंप जोन मिलेंगे, एक भूकंप जोन मिलेगा आपको 4 और एक भूकंप जोन मिलेगा आपको 5। देखिए 4 कौन कौन से मिलेंगे, देहरादून मिलेगा, पौड़ी मिलेगा, उधमसिंह नगर मिलेगा, ये नैनीताल वाले मिलेगा जो नीचे वाले जनपद है, है ना, लेकिन जो आपको जो भूकंप जोन यहाँ पे जो 5 आपको दिखाई दे रहा है ये आपको मिलेंगे चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, है ना, ये वाले जो ऊपर वाले जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, भूकंप जोन क्या मिलेगा, भूकंप जोन 5 मिलेगा, तो ध्यान रखना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहां पे, और एक चीज यहां पे ये भी ध्यान रख लेना कि देहरादून में 1937 में देहरादून में भयंकर भूकंप आया था, और ये था 8 रिक्टर स्केल का, कब आया था 1937 में 8 रिक्टर स्केल का आया था, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए निम्न में से किस स्थान पर भूकंप स्टेशन नहीं है, तो भूकंप स्टेशन नहीं बनाया गया, जरा बताइए जरा, देहरादून में, टिहरी में, गरुड़ गंगा में, या फिर नैनीताल में, तो इसका आंसर क्या होगा, तो सरली क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, तो आंसर दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर, तो देखिए इसका राइट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है, नैनीताल। और अभी हाल ही में यूकेएससी ने टिहरी से एक प्रश्न पूछा था कि जो भूकंप का लैब बनाया गया था, भूकंप का यानी भूकंप मापी लैब टिहरी में कहां पर बनाया गया था, गुत्तु नामक स्थान पर बनाया गया था, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9, और 9वां पूछा गया है कि देहरादून में सीमा कितने जनपदों से लगती है। अब देखिए दोस्तों देहरादून जनपद की हम जब बात करें ना, तो देहरादून जनपद की जो यहाँ पे आपको चित्र दिखेगा कुछ इस प्रकार है, यानी कुछ इस प्रकार देहरादून जनपद आपको दिखेगा,
कुछ इस प्रकार से आपको देहरादून जनपद दिखेगा, है ना। तो देहरादून जनपद आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो देहरादून जनपद से सबसे पहले तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि यहां पे मिलता है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी सबसे ऊपर यहां पे लगता है उत्तरकाशी, फिर यहां पे लगता है टिहरी, और फिर यहां पे लगता है आपका जो लगता है वो लगता है क्या लगता है पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी यानी यहां पे ये हो गया, लेकिन इसके अलावा जो यहां पर ये लगता है, ये लगता है हरिद्वार। तो कितने जनपद लगते हैं, ये लगते हैं आपको चार जनपद बॉर्डर बनाते हैं किससे, देहरादून से। हरिद्वार हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, टिहरी हो गया, उत्तरकाशी हो गया। और यहीं पर अगर बाहरी राज्य की बात करें तो यहां पे हो गया हिमाचल प्रदेश, और यहां पे हो गया यूपी हो गया, यानी सहारनपुर वाला हो गया। तो यह भी ध्यान रख लेना। और यह जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, यह क्या है, देहरादून का। तो देहरादून से कितने हैं, चार हैं। तो चार ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर यहां पे 10 है कि निम्न में से कौन सा स्थान सीसा के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, कुछ प्रसिद्ध स्थान है, तो सीसा के लिए आपको बताना है, जो पीबी होता है ना, पीबी सीसा जो धातु है, इसका मतलब किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान सीसा के लिए प्रसिद्ध है, तो बताइए जरा कौन सा होगा। तो देखिये, जो कुमा बरेला जो क्षेत्र है, ये टोंस नदी के आसपास है, और यह टोंस नदी का क्षेत्र है, और यह इसके लिए प्रसिद्ध है। मंदारम और बाराकोट की बात करते हैं, तो मंदारम बाराकोट आपको मिलेगा, ये कालसी के आसपास मिलेगा, और यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, चूना पत्थर के लिए। तो चूना पत्थर के लिए कौन प्रसिद्ध है, मंदारम बाराकोट। कुमा बरेला किसके लिए प्रसिद्ध है, यह सीसा के लिए, यानी जो पीबी धातु है उसके लिए। और घपीला गांव की बात करें तो यह जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो जिप्सम के लिए कौन प्रसिद्ध है, घपीला गांव, मंदारम बाराकोट, चूना पत्थर के लिए, और कुमा बरेला की बात करें तो यह सीसा के लिए। और फिर यहीं पर अगर मसूरी की बात करें, तो मसूरी की बात करें तो मसूरी में आपको क्या मिलेंगे, यहां पर मसूरी में आपको जो मिलेगा यह मिलेगा चूना पत्थर, यानी चूना के लिए प्रसिद्ध है, क्रीम कलर का चूना पत्थर। तो ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, और बीएस नेगी सर का जो हमारी क्लास थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है 4 दिसंबर 2021 में पूछे गए ग्राम विकास अधिकारी के पेपर। हमने जो ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर है लगभग कंप्लीट कर दिया है, यानी तीनों पेपर सेट 5 तारीख का दोनों सीटों का कर लिया है, और 4 दिसंबर के लगभग अब 10-12 के आसपास क्वेश्चन बचे हैं, वो हम कल कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन है, यहां पे 11वां है, और पूछा गया है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की गई, तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है, ये क्या है, इसका आंसर दीजिए जरा, और इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, तो बताइए जरा क्या होगा इसका राइट आंसर। हां दोस्तों, बताइए जल्दी जल्दी, तो क्या है इसका राइट आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर जो है वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराना। तो क्या है, दूध उपलब्ध कराना। और यहां पर यानी इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो ये जो करवाना है ना दूध उपलब्ध, ये पोषण आहार के लिए है, क्योंकि जो बच्चों में, छोटे बच्चों में क्या हो रहा है, कुपोषण के जो शिकार हो रहे हैं उसके लिए है, उसकी मुहिम के लिए है। और यहां पे 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराना है। अब 1 से 8 वर्ष तक हो गया, यानी 1 से 8 जो क्लास है वहां तक हो गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 3 से 6 वर्ष के लिए है। और इस योजना की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था, आपको ध्यान रखना है, 13 मार्च यहां पे लिखिए दोस्तों, 13 मार्च 2020 को। तो 13 मार्च 2020 को यह योजना शुरू की गई थी, किसके द्वारा, त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा। कहां से की गई थी, देहरादून से की गई थी। और यहीं पर दोस्तों आपको पूछा जाए कि पोषण सप्ताह, ध्यान रखो पोषण सप्ताह काफी इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। तो देखिए, पोषण सप्ताह की बात करते हैं दोस्तों, तो वह होता है 1 से 7 सितंबर, यानी जो शुरुआती वीक होता है, शुरुआती जो हफ्ता होता है सितंबर माह का, तब मनाया जाता है। और 2000 की आपको थीम पूछी जाएगी, 2021 में थीम क्या थी, जरा बताइए 2021 की थीम क्या थी, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, 2021 की जो थीम थी वो आपको ध्यान रखना था, वह है फीडिंग स्मार्ट। तो फीडिंग स्मार्ट आपको ध्यान रखना है, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। यहां पे लिख लेता हूं मैं, राइट आपको ध्यान रखना है, राइट फ्रॉम स्टार्ट। तो ध्यान रखना क्या थी थीम, वो थी फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। तो 2021 की जो पोषण सप्ताह था उसकी थीम भी आपको ध्यान रखना है, और कब मनाया जाता है, पहले हफ्ते में, यानी सितंबर माह का जो पहला हफ्ता होता है तब मनाया जाता है। और यहीं से ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो पोषण महीना होता है, किस महीने को हम मनाते हैं, किस महीने को हम पोषण महीने के रूप में मनाते हैं, तो सितंबर महीने को मनाते हैं। तो ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पे है, क्वेश्चन नंबर यहां पे 12 की बात करेंगे और पूछा गया है दोस्तों यहां पे कि ईटी जो एटकिंसन है जो उसके द्वारा जो प्रकाशित जो पुस्तक है हिमालय का गजेटियर, तो बताइए कि इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, वैसे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है 1882, यह ध्यान रखना है, आयोग ने भी यही माना है। वैसे तो बहुत प्रकाशित हुई थी, इसके और भी पार्ट आए थे, लेकिन पहला पार्ट आपको 1882 ध्यान रखना है, 1882 इसका सही आंसर है। और यहां पे दोस्तों कुछ और किताबें हैं, इन्हें भी अभी याद कीजिए। देखिए सावरी ग्रंथ ठाकुर सूरबीर सिंह, सावरी ग्रंथ किसने लिखी, ठाकुर सूरबीर सिंह ने। यह किताबें हमने आपको बहुत बार याद करवा दी है, आई होप अगर आप दोस्तों शुरू से क्लासेस लेते होंगे तो आपको ये सभी किताबें याद भी हो गई होंगी। तो देखिए गढ़वाल राज्यवंशावली किसने लिखी है, देवराज ने लिखी है। सभासार ग्रंथ सुदर्शन शाह ने सूरत कभी नाम से 7 खंडों में ब्रज भाषा में लिखी है। और द ग्लोरी दैट वाज गुजर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने क्या लिखी है, द ग्लोरी दैट वाज गुजर। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगेश, डब्ल्यू जॉर्ज विंग्स ने लिखी है। और क्या बताया था इसमें कि जो अजय पाल है वो गोरखनाथ पंथ की एक शाखा का संस्थापक है। फिर यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अजय रावत सर, मानोदय काव्य और जहांगीर विनोद कभी भरत को, तो ध्यान रखना ज्योतिराय किसे कहा जाता है, कभी भरत को ही कहा जाता है। गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक की बात करें तो 1916 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कहीं पर 1917 भी आपको इसकी तिथि मिलती है। फिर बात करें यहाँ पे दिवंगत की विभूतियाँ गढ़वाल की, भक्त दर्शन, और यही पर बात करें जैसे गढ़वाल का इतिहास 1928। और देखिए दोस्तों 1900 जैसे यहाँ पे हमने 1916 लिखा है ना, गढ़वाल की जो एंसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक, इसका असल जो प्रकाशन हुआ था 1916 में हुआ था, किताबों में 1917 आपको डेटा मिलता है, तो आप पहले 1916 प्रीफर करना, क्योंकि जो ओरिजिनल बुक है इसमें यही प्रिंट किया गया है। और फिर यहाँ पे अगर बात करते हैं जैसे यह है गढ़वाल का इतिहास और नरेंद्र हिंदुलो, हरिकृष्ण रतूड़ी, मेमोयर्स ऑफ देहरादून जी आर विलियम्स ने, विचित्र नाटक काफी इंपॉर्टेंट है गुरु गोविंद सिंह, वृत्त कौमुदी मतीराम, फतेह शाह यशोवर्णन, यश किसका होता है, रामचंद्र जी का होता है, तो रामचंद्र कड़ियाल, वृत्त विचार सुखदेव मिश्रा, यश फतेह शाह कर्ण ग्रंथ की बात करें तो ये हो गया जटाशंकर। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, काफी आपको हेल्प करने वाली है। अब यहां पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर है अगला, और इसका आंसर बताइए जरा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने इसका आंसर देख लिया 1882 में, तो इसका आंसर बताइए कि कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे, तो कौन थे जरा बताइए चौथे कमिश्नर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा, चौथे कमिश्नर जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको जी टी लुनसिगटन। तो कौन मिलेंगे, यू टी जो लुनसिगटन है वो बिल्कुल सही है। देखिए कैसे है, देखिए एक चीज आपको ध्यान रखा रहा हूं दोस्तों कुछ कमिश्नर के बारे में। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वो कौन है, वो है गार्डनर, वो कौन है गार्डनर, कौन है गार्डनर। और गार्डनर के कार्यकाल की बात करें तो इसका जो कार्यकाल है वो मई 1815 से है, मई 1815 से लेकर ये अप्रैल 1816 के आसपास था, ठीक है, 1815 से 1816 तक था, यानी अप्रैल मई के आसपास था। फिर यहां पे ध्यान रखना ट्रेल के बाद, यानी गार्डनर के बाद जो आते हैं वो आते हैं ट्रेल, और ट्रेल जो कमिश्नर बनता है वो बनता है 13 अप्रैल 1816 को, लेकिन ये अस्थाई रूप से बनता है, यानी ध्यान रखना दोस्तों ये जो कमिश्नर बनता है ना ये पहले अस्थाई रहता है, क्या रहता है, अस्थाई रहता है। और यानी परमानेंट कब से हो जाता है, परमानेंट यानी जो ये हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है, यहां पे ध्यान रखना परमानेंट यहां पे जो हो जाता है, यहां पे पेन सही कर लेता हूं एक बार, देखिए परमानेंट हो जाता है ये 1817 में, देखिए 1816 में यानी 13 अप्रैल 1816 को कमिश्नर नियुक्त किया गया, लेकिन अस्थाई रहता है। कमिश्नर परमानेंट कब बनता है, 1817 में बनता है, और कब तक रहता है, ये रहता है आपको ध्यान रखना है, ये रहता है 1 दिसंबर 1835 तक, तो 1835 तक इसका कार्यकाल रहता है। फिर तीसरे कमिश्नर की बात करते हैं तो तीसरा कमिश्नर कौन आता है, देखिए यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, एक बार आते हैं बीच में आते हैं मोजले स्मिथ, कौन आते हैं मोजले स्मिथ, तो मोजले स्मिथ यहां पे आते हैं लेकिन ये अस्थाई रहते हैं, यानी ये कमिश्नर के रूप में काम तो करते हैं लेकिन कमिश्नर नहीं रहते हैं, इनका कार्यभार संभालते हैं कुछ समय के लिए। तो तीसरा जो कमिश्नर बनता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है जॉर्ज, ध्यान रखना जॉर्ज गोबान, तो जॉर्ज गोबान क्या है यहां पे तीसरे कमिश्नर है। और फिर जॉर्ज गोबान का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो ये 1836 से लेकर 1800 आपको ध्यान रखना है, 1800 कब तक था, 1838 तक था। फिर ये हो गए, फिर चौथे कमिश्नर कौन है, चौथे कमिश्नर की बात करें तो ये आते हैं लुनसिगटन, लुनसिगटन तो लुनसिगटन यानी ये आते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है नवंबर 1838 से लेकर होता है, और ध्यान रखना कब तक होता है, इनका कार्यकाल होता है 1848 तक। तो ध्यान रखना 1848, और यह एक ऐसे कमिश्नर है लुनसिगटन जो मृत्यु पर्यंत अपने इस पद पर रहते हैं, यानी
लूसी गटन की जब मृत्यु होती है उस समय भी ये क्या रहते हैं, कमिश्नर रहते हैं, यानी उस समय तक ही कमिश्नर रहते हैं। लूसी गटन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आने वाले एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। फिर लूसी गटन के बाद पांचवे कौन आते हैं, लूसी गटन के बाद जो पांचवे आते हैं वो आते हैं हैलिट वेटन। कौन आते हैं, हैलिट वेटन आते हैं। और वेटन के कार्यकाल की बात करें तो 1848 से लेकर कब तक रहते हैं, 56 तक रहते हैं। और फिर इसके बाद जो छठे कमिश्नर आते हैं वो आते हैं रेमजे। और रेमजे के कार्यकाल की बात करें तो 1856 से लेकर 1884 तक। ये प्रश्न पूछ लिया है यूकेएससी ने कि रेमजे का कार्यकाल शुरू कब से होता है, 1856 से होता है। तो इन शुरुआती जो छह कमिश्नर हैं इनका कार्यकाल आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने देख लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है 13 है लगभग। तो यहाँ पे पूछा है कस्तूरी मृग विहार। तो देखिए कस्तूरी मृग विहार की बात करें तो कब है, देखिए क्वेश्चन आयोग ने थोड़ा ट्रिकी पूछा है, आपको समझना पड़ेगा कि किस विहार की बात कर रहे हैं। तो इसका तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा है 1972। और कैसे, देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिखाई देंगे वन्यजीव विहार उत्तराखंड के। तो देखिए यहाँ पे केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972, ये किसके लिए, कस्तूरी मृग के लिए है। तो यहां से प्रश्न पूछा गया, तो 1972 आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर आपको इन सभी जो यहां पे जो विहार है इनके याद भी करना है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ये हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि गुलदस्त तौरिक एक कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, गुलदस्त तौरिक एक कोह, तो ये लिखी है जो मियां प्रेम सिंह है, ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही है, और यहां पर आप इसे कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर यहां पे अगला है कि 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। देखिए क्वेश्चन ये आप समझ जाइए, यहां पे पूछा गया है 1923, और 1923 में कौन है टिहरी का राजा, तो 1923 में कौन है, 1923 में जो राजा है वो कौन है, यहां पे नरेंद्र शाह है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो नरेंद्र शाह के बारे में यहां पे देख लीजिए कि क्या क्या प्रश्न बनते हैं। देखिए नरेंद्र शाह की बात करते हैं तो इसके जो रानी थी सरक्षिका रानी थी वो रानी गुलेरिया रानी नेपालिया थी। और यहां पे आपको देखोगे कि जन्म तो 1898 में हुआ था, है ना। राजा कब से बना, 1913 से बना, 1946 में बना, 1919 में इसके पास वास्तविक सत्ता आ गई थी। इंपॉर्टेंट कार्य देखिए इसके, देखिए सबसे पहले देखिए वन संबंधी कार्य, वनों के संबंध में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कदम उठाए थे वो इसी ने उठाए थे, नरेंद्र शाह ने। तो पूछा जाएगा कि वन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य किसने करवाए थे, इसी ने करवाए थे। अपने राज्य के स्टूडेंटों को ट्रेनिंग के लिए फॉरेस्ट स्कूल किसने भेजा था, इसी ने भेजा था। और फिर यहां पे देखिए राजमार्ग की बात करें तो मुनि की रेती से नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल तक क्या बनाए थे, राजमार्ग बनाए थे। और इस कारण इसे गढ़वाल का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ काम किए थे इसने, नरेंद्र नगर में औषधालय खोलवाया था। फिर यहाँ पे देखिए राजधानी की बात करें, 1921 में राजधानी और 1925 में स्थानांतरित की थी। और यहीं पर कुछ शिक्षा संबंधी बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सर कीर्तिसा चैम्बर ऑफ इंडियन जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है उस विभाग की इसने स्थापना भी की थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं नरेंद्र शाह से जो बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, और पूछा है कि केदारनाथ के रावल जो मुख्य पुजारी हैं संबंधित है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिखाई दे रहा है ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मैसूर के जांगम संप्रदाय से है, मैसूर के जांगम संप्रदाय से। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि किस पर्व को वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा था। तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, क्यों सरल क्वेश्चन है, वेनसांग कब आया था, ये आया था हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन ने ही जो यहाँ पे जो कुंभ मेला है उसका शुरुआत की थी, तो उसी के टाइम पे यहाँ पे ये आया था। तो इसका मतलब जो आपको डी दिखाई दे रहा है कुंभ पर्व, यह बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न भी है, ट्रिकी क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे डी दिखाई दे रहा है 72A बिल्कुल सही है। और यहीं पर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था। तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसके राइट आंसर की बात करें तो ये आपको मिलेगा दोस्तों फतेहपति शाह। और फतेहपति शाह के बारे में यहाँ पे देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कि जैसे इसकी संरक्षिका थी रानी कटोची, इसकी संरक्षिका थी रानी कटोची। और फतेहपति शाह के अगर कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पे 64-67 या फिर 1716 तक था। इसके समकालीन शासक ये थे। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पे देखिए कि इसकी हमें एक क्या मिलती है, एक चित्र मिलता है जो शिवाजी और गोविंद सिंह जी के समान घोड़े में बैठा हुआ था, जहां पे एज कितनी लिखी गई है, 33 वर्ष लिखी गई है। और यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट देखिए कि गढ़वाल का शिवाजी कहा गया है फतेहपति शाह को, किसने कहा है, छंदसार पिंगल में जो मतिराम है उन्होंने कहा है, गढ़वाल का अकबर इसे कहा जाता है। और राहुल संकटाय जी के अनुसार तिब्बत तक इसने आक्रमण किया था और उसके वीरत्व के सम्मान में फतेह शाह की तलवार और अस्त्र दाबा प्रांत में सुरक्षित है। तो प्रश्न बनेगा कि दाबा प्रांत में किसकी तलवार और अस्त्र सुरक्षित है, फतेहपति शाह के हैं।
हैं। और दरबारी कवि आप यहां पे देख सकते हैं, इनकी रचनाओं के बारे में भी पीछे डिस्कस किया था। नौ रत्न कौन कौन से थे आप यहां पे देख सकते हैं, हरिदत्त थपलियाल, हरिदत्त नोटियाल, सुरेशानंद बर्थवाल, शशिधर डंगवाल, खेतराम धस्माना, रुद्रदत्त कमोटी, सहदेव चंदोला, बश्वानंद बहुगुणा और कीर्ति राम। तो देखिए दोस्तों यहां पे जो नौ रत्न है ये भी आपको याद करने हैं। देखिए हरिदत्त हरिदत्त, तो हरिदत्त हरिदत्त आराम से हो जाएगा, हरिदत्त थपलियाल, हरिदत्त नोटियाल, फिर सुरेशानंद बर्थवाल, शशिधर डंगवाल। तो हरिदत्त हरिदत्त सुरेश शशि, हरिदत्त हरिदत्त सुरेश शशि, फिर यहां पे देखिए खेतराम रुद्रीदत्त, सहदेव बश्वानंद और कीर्तिराम। तो यहां से कुछ आप ट्रिक करके याद कर लीजिए, काफी इंपोर्टेंट है। और फिर यहां पे बात करते हैं अगले फैक्ट है इंपोर्टेंट। देखिए यह है जैसे कि सातवें गुरु हरराय के जो हरराय थे उनके पुत्र जो गुरु राम राय थे फतेह शाह के काल में देहरादून आए थे और इसी समय खुरबड़ा राजपुर और चमासारी यह जो ग्राम है ये इन्होंने दान दिए थे। फिर देखिए फतेह शाह की हमें एक मुद्रा प्राप्त होती है जो अष्टकोण की है और रजत मुद्रा है। और यहीं पर इसने देखना कि जो यहाँ पे जो ज्ञानचंद था इसी ने इसी के टाइम पे आक्रमण किया था और यहाँ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा जो स्वर्ण प्रतिमा थी उसे अल्मोड़ा ले गया था। और दुधोली का युद्ध हुआ था ज्ञानचंद और किसके बीच में, फतेहपति शाह के बीच में 1703 में और या फिर 1705 में, दो तिथि मिलती है, थोड़ा विवादित है तो ध्यान रख लेना। तो दोस्तों यहाँ तक तो ये था, अब बात करते हैं थोड़ा यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न के जो हमारे परीक्षा वाणिज्य से थे। तो फिलहाल तो दोस्तों हम यहाँ पे अजय रावत सर के ही क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करा रहे हैं, है ये परीक्षा वाणी में दिए हुए हैं, लेकिन हम अजय रावत सर के रेफरेंस से आपको करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट है। तो पहला है कि पर्वतीय विकास जन समिति, पर्वतीय राज्य परिषद, पर्वतीय विकास परिषद और पृथक पर्वतीय राज्य परिषद, तो इनकी स्थापना वर्ष आपको बताना है कब कब हुआ था। तो देखिए इनकी स्थापना कब हुई थी, पर्वतीय विकास जन समिति 1950 में, यूकेएसएससी ने यह प्रश्न अभी हाल ही में पूछा भी था। और यहीं पर अगर बात करें पर्वतीय राज्य परिषद की तो 1967 में दयाराम कृष्ण पांडे द्वारा, यानी दया कृष्ण पांडे द्वारा रामनगर में की गई थी। पर्वतीय विकास की बात करें तो 1969 और पर्वतीय पृथक पर्वतीय की बात करें तो 1973। तो देखिए दोस्तों कंफ्यूज मत होना, एक चीज समझने की कोशिश करना। देखिए पर्वतीय विकास जन समिति तो 1950, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, लेकिन पर्वतीय राज्य परिषद और विकास परिषद में आपको ध्यान रखना है पर्वतीय राज्य परिषद पहले आएगा 1967 में और उसके दो साल बाद विकास होगा परिषद का 1969 में, और फिर क्या हो जाएंगे पृथक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो पृथक पर्वतीय राज्य परिषद 1973 में, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। फिर है यहां पे कि पृथक उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वप्रथम भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा गया था, तो कब सौंपा गया था यह बताइए, 1952 में पीसी जोशी द्वारा सौंपा गया था। और यह प्रश्न भी यूकेएसएससी ने पूछा था इसलिए आपके सामने रख दिया है। तो देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक से बढ़कर एक है। और फिर यहां पे अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष बद्रत पांडे जी द्वारा उत्तराखंड को एक विशेष पर्वतीय वर्ग में रखने की मांग की गई थी, तो मांग कब की गई थी, 1946 में हल्द्वानी कांग्रेस अधिवेशन में। फिर यहां पे 27वां क्वेश्चन कि यहां पे यह है कि उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने का विचार सर्वप्रथम किस आयोग द्वारा दिया गया था, तो दिया गया था फजल अली आयोग द्वारा 1955 में ही कहा गया था लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। फिर है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन, तो बताइए जरा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ, 3 अक्टूबर 1970 को, कब हुआ था 3 अक्टूबर 1970 को, किसके द्वारा, पीसी जोशी जी द्वारा। और ये वही पीसी जी जोशी है जिन्होंने 1952 में क्या किया कि यहां पे देखिए पृथक उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वप्रथम सरकार को ज्ञापन सौंपा था। तो ध्यान रखना दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है ये। फिर अगला क्वेश्चन है यहां पे ये है कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया, तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया गया जरा बताइए जरा। तो इसकी बात करें तो ये था 1979 त्रेपन सिंह नेगी द्वारा। यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1979 में, किस स्थान पर की गई थी, मसूरी में की गई थी, अध्यक्ष कौन थे, देवीदत्त पंत थे, और विभाजन हो गया था 1987 में और इस समय जो काशी सिंह एरी है वो उसके अध्यक्ष बने थे। फिर है 31वां क्वेश्चन कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर क्या है, 30-31 मई 1988 शोभन सिंह जीना। और लास्ट क्वेश्चन है कि जो चंद्र सिंह गढ़वाली जी है उन्हें कब जेल से रिहा किया गया, तो यह किया गया था सितंबर 1941 को, पेशावर कांड भी आप सभी जानते हैं 23-4-1930 को हुआ था। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आज की क्लास में, इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना पेशावर कांड 23-4-1930 और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।